श्री महाराज की जय, परम पूज्य श्री बेबी जी की जय। श्री महामती कहे मैं हक की, पहुंची बका में, ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। वक्त थम सा गया है, सिंध की रुक नाथ प्यारी की जय। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की जय, परम पूज्य श्री बेबी जी की जय। श्री महामती कहे मैं हक की, पहुंची बका में, ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। वक्त थम सा गया है, जिंदगी रुक सी गई है, दौड़ ठहर गई है, पर फिर भी इंसान की मैं अभी जिंदा है, क्यों? प्रश्न है ये मैं क्या है, हक की मैं क्या है। आज हम सब शरीर की मैं, बुद्धि की मैं, जीव की मैं लेकर संसार में जीवन जी रहे हैं। हमें संसार में आंखों से जिस चीज का एहसास होता है वही हम समझते हैं। कोई हमें कह दे बाप बहुत सुंदर है तो बहुत खुश हो जाते हैं। कोई कह दे आप जैसा कोई बुरा व्यक्ति संसार में नहीं तो परेशान से हो जाते हैं। बुद्धि जो सोचती है वही मन करता है और फिर जीव भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन राजी कहते हैं जब हम संसार में रहते हुए शरीर से, बुद्धि से, जीव से परे होकर चितवनी में अक्षरातीत की शोभा में खुद को विलीन करने लग जाएंगे तब यह चौपाई हमारे मुख से निकलेगी, जो जानो त्यों करो धनी तुम्हारी मैं। परम धाम में तो राज्य के सिवा सुंदर साजी कोई दूसरा है ही नहीं। सभी वस्तुएं, सभी रूहें, श्यामा जी, 25 पक्ष, सभी हक के दिल का सागर है। दूजी तो कछु है नहीं, हुक्म की कुदरत। परंतु संसार में हम दिल और दिमाग दोनों तरह से काम करते हैं। दिल कहता है राज्जी के सिवा कुछ नहीं, लेकिन बुद्धि संसार में तर्क वितर्क करने में उलझने लग जाती है। लेकिन वाणी में कहा है इश्क का प्राण इलम है और इलम का प्राण है इश्क, क्योंकि ज्ञान इलम के द्वारा जब तक खुद की पहचान नहीं करा देता तब तक इश्क आ ही नहीं सकता। यदि आपकी बुद्धि ने ज्ञान ले लिया तो वह हक पर समर्पित जरूर होना चाहेगा। संसार में हम यह जानते हैं कि हम परम धाम की आत्मा हैं, लेकिन फिर भी हम शरीर से परे नहीं हो पाते। शरीर के बारे में जानते हैं कि जवानी से बुढ़ापे की ओर कदम भी रख रहे हैं और शरीर खत्म भी होने वाला है, लेकिन शरीर के पुतले का मोह खत्म नहीं होता। शरीर के सौंदर्य के प्रति मोह आपको सुंदर साजी माया में धकेलता है, लेकिन राज्जी के प्रति मोह आपको परम धाम ले जाता है। जो नहीं है उसे हम मान रहे हैं और जो है उसे स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन हमें आत्मा के स्वरूप की पहचान हो जाएगी उस दिन हम कहेंगे धनी जो जानो त्यों रखो। क्योंकि ये समर्पण की पराकाष्ठा है जहां कुछ कहा नहीं जाता। बुद्धि सोचती है शारीरिक कष्ट है तो हम पाठ करने लगते हैं। बुद्धि के द्वारा निर्णय किया जाता है कि पाठ करेंगे तो राज्य ठीक करेंगे, लेकिन यह दौड़ बुद्धि की है,
लेकिन जब मन समर्पित हो जाता है तो बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाती है। वेदों में भी कहा गया है, जो एकत्व को देखता है उसमें मोह और शोक नहीं होता। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के मन में केवल एक ही विचारधारा आई, जब उसे पता लगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो सोचता है कि अब मैं जी कर क्या करूंगा, शरीर से परे अभी द्रोणाचार्य गए ही नहीं। उन्हें यह मालूम नहीं कि शरीर ने जन्म लिया, शरीर की मृत्यु हो रही है, लेकिन जहां अक्षरातीत के हृदय का सागर उमड़ रहा हो वहां पर कुछ और चीज कैसे समा सकती है सुंदर साथ जी। जिस प्रकार सागर में गागर की वस्तुएं, सीप, मोती या कोई जानवर वहां का ही समा सकता है, उसी तरह राज्य के हम अंग हैं। बुद्धि से सोचेंगे हम परम धाम की आत्मा हैं और मन कहेगा मैं अक्षरातीत की प्रियतमा हूं, तो हम राज्य पर अपना सर्वस्व न्योछावर जरूर कर सकेंगे। आज यहाँ पर छत्रसाल जी का प्रकटन महोत्सव भी है, जिन्होंने अपनी मैं को राज्य के आगे समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अक्षरातीत इस सदी में आएंगे और उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके शाकुंडल ने जो शोभा ली इस संसार में रहते हुए वो शायद हम नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण किया, तभी राजी ने कहा विद्या अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुकम छत्र साल के दियो सो अपनो राज। शाकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्र साल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान। क्यों? पहले उन्होंने स्वयं को समर्पित किया। अगर हम बीतक में देखें तो इंद्रावती ने पहले अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया था। तब राजी ने कहा सब तन विरह खाइया, गल गया लहू मास, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धा। आज हमने अपने संबंध को पहचाना नहीं सुंदर साथ जी। आज हम अगर एक पाठ नहीं करते तो हम सोचते हैं राजश्यामा जी हमसे नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं की पहचान नहीं है, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। जिस दिन समर्पण की पराकाष्ठा पर आत्मा अपने अंदर धनी का सिंहासन बना लेती है, तब मीरा की तरह केवल यही बात कहती है मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की सोवन किन विद होए। और उस समय जिसे हम दुख समझ रहे हैं वो हमें दुख भी महसूस नहीं होता, क्योंकि समर्पण है। सीता ने, द्रौपदी ने वनवास जाते समय कोई शर्तें नहीं रखी, क्योंकि वो प्रेम के प्रति समर्पित थी। हम भी राज्य के प्रति जब समर्पित हो जाएंगे तो राज्य तो हमें दुख देना ही नहीं चाहते। धनी न देवे दुख दिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी, दुख अपन को तो जो होता है जो माया करत है भारी जी। लेकिन इसके लिए हमें राज्य के प्रति समर्पण होना होगा। प्रेम करना आपका अधिकार है, क्योंकि आपके बिना उस अक्षरातीत का और उस अक्षरातीत के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। दुनिया की वस्तुएं मांगने के लिए तो हर जगह लाइन लगी रहती है, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे सिद्धि विनायक का, चाहे साई बाबा का, लेकिन हमारे अक्षरातीत के दरबार में कोई लाइन नहीं है। केवल पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकरर, तब आप कहेंगे मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। सुंदर साथ जी, दुनिया की मैं को छोड़कर हक की मैं को आप लें,
तब आप समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंचकर धनी को रिझा पाएंगे और धनी को धनी के साथ आपका क्या संबंध है उसे जान पाएंगे। आज छत्रसाल जी के प्रकटन महोत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई और छत्रसाल जी के गुणों को अपनाकर हम भी अपने जीवन को सार्थक करें। प्रणाम जी।